नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल आज लोकसभा में पेश करेगी। बताया जा रहा है कि ओबीसी बिल संविधान संशोधन बिल है और बीजेपी इसे चुनावों में पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है। नॉर्थ कर्नाटक को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आज कई संगठनों ने बंद बुलाया है। इसको लेकर कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस बंद की अगुवाई राज्य आंदोलन समिति कर रही है। इस बंद का असर उत्तरी कर्नाटक के 13 जिलों में पड़ सकता है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति, मुजफ्फरपुर आश्रम कांड, केंद्र की नीतियों के अलावा सरकार के दो मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर बिहार में आज वाम दलों ने बंद बुलाया है। इस बंद को राजद, कांग्रेस, हम, समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक जनता दल ने भी खुला समर्थन दिया है। असम और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भीष्म नारायण सिंह का संक्षिप्त बीमारी के बाद बुधवार को निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। सिंह के पुत्र उमाशंकर सिंह ने बताया कि वह 2 महीने से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगामी 4 अगस्त को पार्टी की कार्य समिति की बैठक बुलाई है। इसमें राफेल विमान सौदे, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर समेत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति तय कर सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सरकारी बंगले की जिससे जांच पर सबकी नजरें टिकी थी, उसकी जांच कर निर्माण विभाग ने राज्य संपत्ति विभाग को उसकी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य संपत्ति विभाग ने इस रिपोर्ट को सीएम दफ्तर भेज दिया है। 266 पेज की इस रिपोर्ट में पूर्व सीएम के तौर पर अखिलेश यादव को मिले सरकारी बंगले 4 विक्रमादित्य मार्ग में हुई तोड़फोड़ का आकलन किया गया है। भारत ने अमेरिका द्वारा 3 पाकिस्तानी आतंकियों को विशेष रूप से वैश्विक आतंकी घोषित करने के कदम का स्वागत किया है। इन्हें पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्करे तैयबा को सहायक और वित्तीय मदद पहुंचाने को लेकर वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की 4 हस्तियों को निमंत्रण मिला है। इमरान खान ने क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील गावस्कर और कपिल देव को न्योता भेजा है। इसके अलावा बॉलीवुड से मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को भी इमरान खान ने इस्लामाबाद आने का निमंत्रण दिया है। इनमें से सिद्धू ने फौरन इमरान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान में नई सरकार बनने को है, लेकिन इससे पहले अमेरिका से उसके लिए एक अच्छी खबर आई है। अमेरिकी संसद द्वारा पारित रक्षा विधेयक के अनुसार अब पाकिस्तान को अमेरिका से सहायता पाने के लिए आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव सितंबर के प्रथम सप्ताह में कराए जाने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रपति ममनून हुसैन का 5 साल का कार्यकाल 8 सितंबर को पूरा हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। जेनावन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।